और पूरे उत्तर भारत में आपको पता है कि इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, तो इस तपती गर्मी से राहत के लिए आप अक्सर नींबू पानी या शिकंजी का सहारा लेते होंगे। लेकिन प्रचंड महंगाई का आलम तो यह है कि अब लोगों को नींबू भी मयसर नहीं। एक एक नींबू आज 15 से 20 रुपए का मिल रहा है। उधर पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी का भी ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। तो सवाल यह कि आखिर हर दिन बढ़ती महंगाई क्या आने वाले दिनों में थमेगी या आम लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है? जो जवाब सरकार के मंत्रियों से मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि फिलहाल महंगाई पर लगाम लगाने का कोई रोडमैप सरकार के पास नहीं है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर घंटी जरूर बजाएं। फिर से दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। काम धाम है नहीं और सीएनजी का रेट बढ़ते जा रहा है। दिन में 3 बार फुल टैंकी करवाना पड़ रही है। जो हम कमा रहे हैं वो सीएनजी में लगा रहे हैं। बंद करनी पड़ेगी गाड़ियों को और क्या करना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ी है और उसके बाद सीधा असर देखने को मिल रहा है सब्जियों पर। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है तब से सब्जियों के रेट आसमान में हो गए। किसी जमाने में नींबू को नजर उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सब्जियों में नींबू को ही नजर लग गई। जयपुर के बाजारों में इस वक्त नींबू 320 से लेकर 350 रुपए किलो तक बिक रहा है। देखने वाला काम हो गया कि देखो और 2 नींबू ले लो बस मजबूरी के लिए। आम आदमी तो इस वक्त मरने की कगार पे आ गया। श्रीलंका का जो हाल हो रहा है वैसा यहाँ देखने को मिल जाएगा अगर यही हाल रहा तो। महंगाई के मार के दर्द से हर कोई कराह रहा है। जो पेट्रोल की गाड़ी चलाता है वो रो रहा है। रोज रोज तो भाव बढ़े जा रहे हैं, एक बार मतलब अभी तो चल के आना पड़ेगा। जिसने डीजल की गाड़ी ली वो पछता रहा है। डीजल भैया रेट डेली बढ़ जा रहा, पहले जितना चलती थी नहीं चल रही गाड़ी। और अब तो सीएनजी वालों से भी दर्द सहा नहीं जा रहा। हमने गलती करी सीएनजी लेके। हमने सीएनजी गाड़ी किस लिए ली थी? इसीलिए ली थी कि भाई चलो कॉस्टिंग कम आती है तो अपना हम सफर कर लेंगे कम पैसों में। लेकिन अब तो इतना बुरा हाल हो गया कि घर चलाना अब सीएनजी पर भाई गाड़ी चलाए क्या करें। ऐसा लगता है कि तेल कंपनियां लोगों के साथ कोई गेम खेल रही है। कभी लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं, कभी सीएनजी की महंगाई का मीटर चालू कर दिया जाता है। आज पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े तो सीएनजी लगातार दूसरे दिन 2.5 रुपए महंगी हो गई। सिर्फ 4 दिनों में सीएनजी के दाम 7.5 रुपए बढ़ चुके हैं। बहुत परेशानी हो रही है, किराया बढ़ नहीं रहा, सीएनजी के दाम बढ़ जा रहे हैं, पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं, सबके दाम बढ़ जा रहे हैं, महंगाई बहुत होती जा रही है, परेशानी हो रही है। गरीब आदमी का जीना दुश्वार है। कस्टमर कहता है इतनी गर्मी पड़ रही है एसी फुल रखो। जहां हमारी गाड़ी सर्दियों में 200 किलोमीटर चलती थी अब 150 किलोमीटर नहीं चल रही है फुल टैंकी में। पहले 1000 रुपये कमाते थे तो चलो 300 की सीएनजी लगती थी, अब 700 रुपये की सीएनजी लग रही है क्योंकि कस्टमर एसी के बिना बैठता ही नहीं है। मैंने 45,000 रुपये का काम किया, ठीक है, जिसमें से मैंने 11,000 रुपये की सीएनजी डलवाई, ठीक है, 5,000 रुपये मैंने गाड़ी में लगाए, उसके बाद गाड़ी की किस्त भी है। अब लगा लो कि मैं क्या कमा रहा हूँ और क्या बचा रहा हूँ। सीएनजी के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी का नतीजा ये है कि पहले जिस रेट पर डीजल मिला करता था अब सीएनजी के लिए उतनी कीमत देनी पड़ रही है। जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में सीएनजी के दाम 88.10 रुपए पर पहुँच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में 83.53 रुपए, लखनऊ में 80.80 रुपए, हरियाणा के रेवाड़ी में 79.57 रुपए,
गुरुग्राम में 77 रुपए 44 पैसे और नोएडा गाजियाबाद में 71 रुपए 67 पैसे। सीएनजी महंगी होने के कारण कैब वाले अब सवारियां ले नहीं रहे और ऑटो वाले मनमाना किराया ले रहे हैं। एज अ स्टूडेंट मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है फ्रॉम होम टू कॉलेज और मेरा डिस्टेंस बहुत है, मैं द्वारका से आती हूँ तो उसके लिए मेरे को मेट्रो से आना पड़ता है बिकॉज मैं सोचती हूँ कि बाय बस जाऊँ। बाय बस तो बहुत अच्छा है फैसिलिटी की, हम फ्री में जा सकते हैं वुमेंस के लिए, बट स्टिल अगर मैं बस से आऊँगी तो मैं टाइम में कॉलेज नहीं पहुँच पाऊंगी तो उसके लिए मेरे को मेट्रो से आना पड़ता है और मेट्रो का डेली का खर्चा मेरा बहुत आ जाता है मतलब, तो वो एक्सपेंस बचाने के लिए भी मैं आजकल पैदल आना स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं रिक्शे से आती थी। रोड डे बाय डे महंगाई बढ़ रही है तो हम अपने घर वालों को भी नहीं बोल सकते कि जो जितना बजट है उसके बियॉन्ड हमें दो। तो एक तरफ पेट्रोल डीजल सीएनजी के बढ़ते दाम और दूसरी तरफ इसके कारण बढ़ती महंगाई। हालत ये है कि नजर से बचाने वाले नींबू पर भी महंगाई की नजर लग गई है। तो मेरे हाथ में जो नींबू इस वक्त है, अगर इस एक नींबू की हम कीमत की बात करें तो लगभग 16 रुपए का ये नींबू है। जयपुर के बाजारों में इस वक्त नींबू 320 से लेकर 350 रुपए किलो तक बिक रहा है। तो आज अभी दो दिन पहले 400 रुपए किलो नींबू थे, फिर अभी आज दो एक कल से टूटे। सर पता ही नहीं पड़ रहा इस बार क्यों महंगे, हमारा खुद को भी पता नहीं पड़ रहा क्यों महंगे, समझ में नहीं बैठ रहा कुछ। सब्जियां सभी महंगी है, हमारे 20-25 किलो रोज का पत्ती अभी आई 8-10 किलो पे आ गए। जयपुर में नींबू के दाम 400 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। देश के दूसरे इलाकों में भी नींबू लोगों की जेब निचोड़ रहा है। इस जमाने में नींबू को नजर उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सब्जियों में नींबू को ही नजर लग गई है। यकीन मानिए कोलकाता में 10 रुपए का एक नींबू बिक रहा है और इसे जो नजर लगी है उसे ये नहीं समझ पा रहे हैं न दुकानदार न ही खरीदने वाले कि आखिरकार हुआ क्या है। 500 का बजट था, आई थॉट इट विल बी डन, 500 में हो जाएगा, 1300 का बिल आया। पहले बाजार करने जब आते थे तो पैसा जितना लगता था उससे बैग थोड़ा मतलब बड़ा होता था, पर अभी जो हालत है उसमें बैग छोटा आता है पर पैसा ज्यादा लाना पड़ता है। नींबू भले ही महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है लेकिन दूसरी सब्जियां भी पीछे नहीं। दिल्ली में सब्जी और फलों की बड़ी थोक मंडी गाजीपुर में भिंडी 80 रुपए किलो तो शिमला मिर्च 200 रुपए किलो बिक रही है, जिसका असर ये कि खुदरा बाजार में पहुंचते पहुंचते सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगती है। दिन प्रतिदिन प्याज टमाटर सब्जियां जो है बहुत महंगी होती जा रही हैं और हम लोगों का आप जो बेसिक सैलरी है अपने फैमिली को हम पाल नहीं पा रहे हैं ढंग से। और डीजल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो भाड़ा बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा तो मंडी का रेट वैसे ही बढ़ जाएगा। सब्जी का मंडी से आज लेके आ रहे 100 रुपए किलो, कल वही चीज मिल जा रही 150 रुपए किलो, अब यहाँ बताते हैं तो कस्टमर लड़के चला जाता है, क्या करें। सब्जियों की महंगाई देखते हुए अगर आप सब्जी छोड़कर चटनी से काम चलाना चाहें वो भी मुश्किल है क्योंकि कच्चा आम भी अच्छा खासा महंगा हो चुका है। सब्जियों के साथ फल भी महंगे हो चुके हैं। केला 60 से 70 रुपए दर्जन तो संतरा 80 से 100 रुपए में बिक रहा है। दुकानदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सभी सब्जियां और फल और महंगे होंगे। इस महंगाई की वजह क्या है समझिए जानकारों से। देखिए सब्जी और खाद्य पदार्थ इन पर जो आवाजाही का कॉस्ट आती है जिसको हम फ्रेट कॉस्ट कहते हैं, तो जब भी डीजल की खासकर कीमत बढ़ती है तो उसको अंग्रेजी में हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, मतलब डीजल की जो महंगाई का भार है वो होलसेलर्स रिटेलर्स और अगर कोई दूसरी मैन्युफैक्चर करे जाने वाली चीज है तो मैन्युफैक्चरर्स और ट्रांसपोर्टर्स ये ग्राहक के ऊपर डाल देते हैं, कुछ हद तक ही अपने ऊपर लेते हैं पर जब वो ज्यादा बढ़ती है तो वो ग्राहकों के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं कि जिस रफ्तार से खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ रही हैं वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा तेज है। वेजिटेबल्स के भाव में भी काफी बड़ा जंप आया रिसेंटली, हमने देखा कि आरबीआई ने भी इसके ऊपर स्टेप्स लेने की बातें की है। ओवरऑल पेट्रोल डीजल जब बढ़ता है क्योंकि जब माल ढुलाई महंगी होती है तो इसका इम्पैक्ट सभी प्राइसेस पे हम पड़ते हुए देखते हैं, तो टाइमिंग मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन है वो हमारे साथ अगले 2-3 महीने और रहेगा जब तक क्रूड के प्राइसेस में कोई मटेरियल। सब्जियों की महंगाई की एक वजह मौसम की मार के कारण उत्पादन की कमी भी है। वहीं कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर जानबूझकर सप्लाई का संकट पैदा कर देते हैं जिससे दाम बढ़ाए जा सकें। घंटी बजाओ के इस स्पेशल सेगमेंट में आपका स्वागत है, मैं हूं अखिलेश आनंद और आपके सामने हम लेकर आए हैं भारत की सुरक्षा चिंताओं से जुड़ी बड़ी खबर। और यह खबर आ रही है राजनीतिक तौर पर अस्थिर हो चुके पाकिस्तान से, जहां जारी सियासी घमासान का फायदा
वहां के आतंकी संगठन उठा रहे हैं। एक नई साजिश का खुलासा हुआ है। एक तरफ जहां लॉन्च पैड पर बैठे सैकड़ों आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ के लिए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए नया आतंकी गुट भी बनाया गया है। हमें खास तौर पर यह जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस मामले में आतंकी तंजीमों के साथ बैठक की, जिसमें साफ तौर पर नई रणनीति पर काम करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान में जारी घमासान, एक बार फिर कर रहा है भारत को परेशान। सियासी तंत्र में उठा बवाल, एक बार फिर उठ रहा है कश्मीर का सवाल। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश खुश क्यों है वो इस बात से दुखी है। यही कारण है कि अपने देश में चल रहे तमाम सियासी झंझवातों के बीच जहां वो अपने देश को नरक की आग में धकेलना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ वो भारत में भी अपनी साजिशों का जाल बिछा कर रखना चाहती है। जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत की विदेश नीतियों का गुणगान कर चुके हैं और अपने देश की साजिशों का बखान कर चुके हैं। Mercifully, we have not seen any major... ये भूलने वाली बात नहीं कि हाल ही में इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के दौरान दिए अपने भाषण में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत के साथ शांति बनाए रखने की बात की थी। उन्होंने आतंकवाद पर रोक लगाने का दावा भी किया था, मगर हकीकत वही है ढाक के तीन पार। Pakistan continues to believe in using dialogue and diplomacy to resolve all outstanding issues, including the Kashmir dispute, and is ready to move forward on this front if India also agrees to do so. Kamar Javed Bajwa ki is kathni se theek ulat dikhai de rahi hai Pakistan ki karni. Unhone kaha tha ki baatcheet ke zariye samadhan dhoondne ki koshish mein wo aage badhne ke liye taiyar hain. Agar Bharat bhi kadam badhane ko taiyar ho. जबकि हकीकत तो यही है कि भारत हर दम बातचीत का हिमायती रहा है, बशर्ते पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे। घुसपैठ अभी भी जारी है, लॉन्च पैड पर अभी भी आतंकवादी मौजूद हैं, हथियारों की खेप अभी भी हिंदुस्तान में फेंके जाने की तैयारी में है, ड्रोन से ड्रग्स भी भारत में लाए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, और कोई भी ऐसा मौका जिससे भारत के अंदर अस्थिरता फैलाई जा सके वो चूका नहीं जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर कोई बदलाव उस तरीके से देखने को नहीं मिलता जिससे कि हम ये कहें कि बाजवा की कथनी और करनी में कोई मेल है। पाकिस्तान चाहे सुधरने का जितना भी नाटक कर ले, वो अपनी असली फितरत से बाज नहीं आता। भारत की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के ताजा दस्तावेज पाक की नापाक साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक भारत में अपनी आतंकी रणनीति को नया अमलीजामा पहनाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मार्च के अंतिम सप्ताह में आतंकवादी कमांडरों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भारत में घुसपैठ करने के लिए नए नए रूट खोजे जाएं। साथ ही यह भी कहा गया कि इन रूटों के जरिए भारतीय सीमा में इतने हथियार पहुंचाने हैं जितने युद्ध समय में एक हथियार डिपो में जमा किए जाते हैं। सर ध्यान से देखिए, पाक की इस नापाक साजिश का दस्तावेजों के हवाले से बड़ा खुलासा। इस खुफिया दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के कर्नल वागरा और आतंकी समूहों के सरगनाओं के बीच बैठक हुई। इस बैठक में हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाहुद्दीन भी शामिल था। ये बैठक पीओके के एक होटल में हुई और इस बैठक में भारत में आतंक की नई रणनीति का खाका तैयार किया गया। आपको दिखाते हैं ये नई रणनीति है क्या। आतंकी गुट और गाइड घुसपैठ के नए रास्तों का पता लगाएं।
नए रास्तों से नारकोटिक्स और आतंकियों को भेजने का काम किया जाए। भारतीय सीमा में युद्ध लायक हथियार रखने के स्टोर बनाए जाएं, ओवरग्राउंड वर्कर बनाए जाएं जो जरूरत पड़ने पर आतंक का साथ दे। आतंकी गुटों की फंडिंग और आर्थिक मदद नए तरीके से की जाए। देखिए, भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रहार कर रखा है। इस समय घाटी के अंदर आप देखेंगे कि कोई दिन शायद ऐसा जाता हो जब एक आतंकवादी ना मारा जाता हो, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा के हो, टीआरएफ के हो या और किसी आतंकवादी संगठन के हो। निरंतर इनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है और इससे पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है, क्योंकि जितने भी इनके कमांडर थे, पाकिस्तानी मूल के कमांडर, वो कश्मीर में न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं। और इससे जो कमांड एंड कंट्रोल की समस्याएं पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के लिए खड़ी हुई हैं आतंकवाद को लेकर, उससे पाकिस्तान बहुत चिंतित था और शायद कहीं इसी दबाव के चलते इन्होंने सीज फायर किया कि सीज फायर की आड़ में हम रीऑर्गेनाइज कर लें, अपने आप को रीग्रुप कर लें। लेकिन सीज फायर को भी अभी काफी समय हो गया है और ऐसा ये भी नहीं दिख रहा कि पाकिस्तान अपने आप को रीग्रुप कर पाया है। खुफिया दस्तावेज बताते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने भारतीय सीमा से लगी आतंकवादी लॉन्चिंग पैडों का निरीक्षण भी किया और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि घुसपैठ के समय इन आतंकवादियों की पूरी मदद की जाए। सूत्रों का कहना है कि इन आतंकी पैडों पर इस समय 300 से ज्यादा आतंकवादी मौजूद हैं। ध्यान रहे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों ने लगातार ऑपरेशन चलाकर आतंकी गुटों की कमर तोड़ रखी है और अब इन्हीं आतंकी गुटों को संजीवनी देने का यह है पाकिस्तान का नापाक प्लान। अब जरा ये दूसरा खुफिया दस्तावेज भी देख लीजिए, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपनी इस नापाक साजिश के तहत कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए नए गुटों का गठन भी किया और इनमें से एक गुट है अल नासिर। दस्तावेज साफ तौर पर बताता है इस नए गुट के आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराए जाने का पूरा प्लान तैयार है और इस दस्तावेज में ये लिखा भी है कि किस रूट से इन आतंकियों के भारत में आने की आशंका है। पाकिस्तान की ऐसी ही एक नापाक साजिश को आज सुबह ही सीमा सुरक्षा बल ने भी नाकाम किया। बीएसएफ के एक आला अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सीमा पार से आतंकवाद फैलाने के लिए स्मगलर्स के जरिए बड़े पैमाने पर गोला बारूद भारतीय सीमा में पहुंचाया जा सकता है। सूचना के आधार पर बीएसएफ ने सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के चेकिंग पॉइंट्स को अलर्ट किया और सघन तलाशी अभियान चलाने को कहा। जम्मू सीमा के अखनूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक परगवाल सब सेक्टर में बीएसएफ ने सघन तलाशी अभियान चलाया तो लगभग 7:45 बजे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सीमा की फेंस के अंदर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। हथियारों के जखीरे में AK-47 समेत हथियार और गोला बारूद शामिल है। भारतीय सेना का काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही कारगर साबित हुआ है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल से पार करके भारतीय कश्मीर के अंदर दाखिल होना कोई आसान काम नहीं है। इक्का दुक्का छुटपुट इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं हो जरूर जाती हैं, क्योंकि 100% कभी भी आप लाइन ऑफ कंट्रोल को सील नहीं कर सकते, लेकिन 99% इस तरीके की घटनाएं बंद हो गई हैं। पाकिस्तान के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर है। जिस वक्त पाकिस्तान में सियासी घमासान चल रहा है, वहां मौजूद आतंकी संगठन उस वक्त का फायदा लॉन्चिंग पैड पर गतिविधियां बढ़ाने में करने लगे हैं। बड़ी तादाद में आतंकी लॉन्चिंग पैड पर घुसपैठ के लिए पहुंचे हैं। खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर LOC पर अलर्ट रहने को कहा। सूत्रों का कहना है पिछले एक हफ्ते में कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर और कुपवाड़ा जिले के माछिल और केरन सेक्टर के उस पार POK में 120 आतंकी पहुंचे हैं। बताया गया है दुधनियार और अथमुगाम लॉन्चिंग पैड पर लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद और अल बद्र के 45 आतंकी मौजूद हैं। इसी तरह गुरेज सेक्टर में लोसर कॉम्प्लेक्स, सोनर और सरदारी जैसे लॉन्चिंग पैड पर POK में 30 आतंकी बैठे हुए हैं। ये आतंकी नौशेरा, नार, गोविंद नाल, परिबल, जंगल आदि से घुसपैठ कर सकते हैं। वहीं माछिल सेक्टर में उस पार 48 आतंकियों का पुख्ता इनपुट है।
ये आतंकी कुपवाड़ा के जरिए घुसपैठ कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की संख्या काफी कम हो गई है। पिछले दो साल में कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला है, सीमा पार से घुसपैठ भी नाकाम हो गई। इसके चलते आतंकी संगठनों के लिए कश्मीर में वारदात को अंजाम देना मुश्किल हो गया है। इसीलिए अब पाकिस्तान में मौजूद वहां के आतंकियों को इस ओर भेजकर हमलों का मंसूबा है। ABP News, आपको रखे आगे।